भी हम अपनी वीडियो में टॉप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है भाई, टॉप 20, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो भाई कसम खा लो आज ये 20 के रूल्स आपको एकदम अपनी उंगलियों पे याद कर लो। जरा पढ़िए भाई क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द पेंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर्स एज दे हैव नो मींस ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट, ठीक है, ये है हमारी लाइन, दे हैव नो मींस ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट। इसके लिए आपको वर्ड बताना है हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। इतनी बार मैंने आपको बताया है, हाँ भाई क्या वर्ड है हमारा, वर्ड है पॉपर। पॉपर कौन होते हैं भाई, वो इंसान जिसका सब कुछ जा चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा, वो पापड़ बेच के अपना गुजारा चला रहा है, पॉपर। और जरा उसी के साथ जल्दी से याद करिए अपने बाकी वर्ड्स भी, कौन से वर्ड थे हमारा, डेस्टिट्यूट, हाँ जी याद आया, एक और वर्ड था हमारा इनसोल्वेंट, ठीक है, और क्या वर्ड था भाई हमारा, पेनीलेस, और एक पॉवर्टी से ही हमारा वर्ड रिलेटेड था, कौन सा था, इम्पॉवरिश्ड, राइट। इन सभी का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान, ठीक है, जिसका सब कुछ जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। तो जो ये हाईलाइट्स वाला पार्ट है हमारा, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, इसके लिए हमें अपना वर्ड बताना है। तो चार आपके ऑप्शन है, इतनी बार मैंने आपको ये बताया है कि आपके स्कूल में कैलीग्राफी कंपटीशन होता होगा ना, कैलीग्राफी कंपटीशन क्या होता है भाई, जिसकी हैंडराइटिंग सबसे सुंदर होगी, ठीक है, तो भाई उसी को कहते हैं आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं। और भाई जो कैलीग्राफी करते हैं उन्हें ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, कैलीग्राफर बोलेंगे। सिमिलरली भाई लेक्सिकोग्राफी, ये क्या होता है, ये आपका डिक्शनरी से रिलेटेड है, ठीक है, तो जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। डेमोग्राफी होती है आपकी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, डेमोग्राफी आपकी क्या होती है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब ये मेरा एक वर्ड है ग्राफोलॉजी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये भी हैंडराइटिंग से रिलेटेड है पर थोड़ा सा अलग है, तो एक बार इसका सर्च करके भाई कॉमेंट करके बताएंगे। आजकल मुझे आप बच्चों के कॉमेंट्स नहीं दिखते हैं, ठीक है, मुझे दिखना चाहिए कि आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो साथ में और जो चीजें बोली जा रही है उन्हें सही से फॉलो भी कर रहे हो। चलिए आगे देखिए, नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफन विद अ बायोग्राफिकल स्केच एज इन अ न्यूज़पेपर, हाँ भाई जो नोटिस छपता है किसी इंसान की डेथ का न्यूज़पेपर में आता है ना, मैं आपको बताया था कि एक छोटा सा आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में कि आपको बहुत ही दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि अब ये हमारे बीच, ठीक है, तो वो जो नोटिस छपता है न्यूज पेपर में, वो छोटा सा आर्टिकल रिगार्डिंग समवन्स डेथ, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन, ठीक है। और ये जो एलिजी है ये भी आपका डेथ से ही रिलेटेड है, ठीक है, अगर मैं इसे सिंपल में लिखूं तो बोल सकते हैं डेथ, ठीक है भाई, जो किसी के मरने पर इंसान जो रोता है, विलाप करता है, जो जीत जाता है, उसके लिए हमारा ये टर्म है, राइट। फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर क्या होगा, पानी का डर, सिंपल सी बात है आपका हाइड्रोफोबिया, ठीक है भाई, विबिलियोफोबिया क्या होगा भाई, फियर ऑफ बुक्स, ठीक है भाई, बुक्स का फियर, राइट। माइक्रोफोबिया भाई, माइक्रोफोबिया, माइक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका फियर, ठीक है, और ये बटानोफोबिया, जैसा कि आप उसके नाम से ही फील ले पा रहे हो, ठीक है, ये आप सभी बच्चे मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, और ठीक है,
होता है जो मैप बनाता है, राइट? कैलीग्राफर अभी करा, शॉफर एक तरह से बोल दीजिए ड्राइवर। यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरेटर। याद रखना है जो म्यूजियम की देखभाल करता है भाई, उसे हम कस्टडियन नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूरेटर बोलेंगे। Someone who has too much admiration for himself or herself. भाई वो इंसान जो मतलब बिल्कुल अपने आप से भरा पड़ा है कि बस मैं हूं, सिर्फ मैं हूं, ठीक है? Who has too much admiration for himself or herself, भाई उसे क्या बोलते हैं? हाँ भाई, उसे हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है भाई? क्या टर्म है हमारा? टर्म है नार्सिसिस्ट। जरा उसी के साथ ये देखिए, मीजोगैमिस्ट। हाँ भाई, मीजोगैमिस्ट क्या है? और ये है आपका मिजांथ्रोपिस्ट। मीजोगैमिस्ट क्या है भाई? ये है आपका हेटर ऑफ मैरिज, ठीक है भाई? जिसको शादी से नफरत है, मीजोगैमिस्ट। ओके, मिजांथ्रोपिस्ट कौन है भाई? हेटर ऑफ ह्यूमन, जिस इंसान को क्या है भाई, इंसानों से नफरत है, ठीक है? और ये मिस वर्ड मैंने आपको बताया है, ये जो हमारा मिस वर्ड है, ये जो गैम वर्ड है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका शादी से रिलेटेड है, याद करिए। पॉलीगैमी, ठीक है? पॉलीगैमी, मोनोगैमी, बायोगैमी, ये क्या होते हैं? बहुविवाह प्रथा, ठीक है? दो विवाह। मोनोगैमी क्या है? सिंगल मैरिज, राइट? तो गैम वर्ड आपका किससे रिलेटेड है? शादी से रिलेटेड है। मिस वर्ड आपका किससे रिलेटेड है? हेट से रिलेटेड है। और ये जो एंथ्रोप वर्ड है, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है? फिलान्थ्रोपिस्ट कौन होते हैं? आपके लवर ऑफ ह्यूमन, ठीक है? जो इंसानों से प्यार करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है? जिसमें हम पूरा ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। चलिए, सिंस गॉड इज एन ऑल पावरफुल क्रिएटर, ही हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर दोज हुम ही हैज क्रिएटेड। तो यहां पे बात हो रही है भाई ऑल पावरफुल, ठीक है भाई? जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसे हम क्या बोलेंगे? याद कर लीजिए, ओमनीपोटेंट, ठीक है भाई? क्या हमारा वर्ड है? हमारा वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीसिएंट कौन है भाई? जिसको सारी नॉलेज है, ठीक है? वन हु हैज ऑल नॉलेज, ठीक है भाई? जिस इंसान को सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान किसे होगा भाई? आपको लग रहा है आपको है, पर भगवान को है, ठीक है? सारा ज्ञान किसे है? भगवान को है, राइट? तो ओमनी पोटेंट क्या है? वन हु इज ऑल पावरफुल। ओमनीसिएंट क्या है भाई? वन हु हैज ऑल द नॉलेज। अ पर्सन तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? आपकी स्टडी ऑफ गॉड। अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, वो इंसान जो इंसान की फ्लैश खाता है। कार्निवोर नहीं, यहाँ जानवर की बात नहीं हो रही, यहाँ इंसान की बात हो रही है, जो इंसान की ही फ्लैश खा रहा है, उसे हम बोलते हैं कैनिबल, ठीक है? कार्निवोर कौन होते हैं भाई? आपके जो आपका मीट मांस खाते हैं। ओमनीवोर कौन होते हैं? जो आपका भाई दोनों खाते हैं, मीट मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, राइट? चलिए, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। हाँ भाई, क्लोज्ड स्पेसेस के फियर को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ज़ीरोफोबिया क्या है भाई? ये फियर है आपका फॉरनर्स का, ठीक है भाई? जिसको अंग्रेजों से डर लगता है, अंग्रेजी कल्चर से डर लगता है, फॉरनर्स। एक और फियर लिख देते हैं, राइट? हाइड्रोफोबिया भी हमने करा, फियर ऑफ वाटर। अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज हेटर टुवर्ड्स द एंटायर मैनकाइंड,
हाँ भाई, जो इंसान जाना जाता है अपने नफरत के लिए पूरे मैनकाइंड की तरफ। ठीक है भाई, कौन है जो इंसानों से नफरत करता है? निजाम स्ट्रोक, मिस वर्ड आ रहा है, एंड स्ट्रोक वर्ड आ रहा है, क्या है ये? ह्यूमन। ठीक है, और ये मिस वर्ड क्या होता है? हेट होता है, राइट? निजाम स्ट्रोक। अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव। अभी जैसे मैंने आपको बताया, वो किसी के मरने पर हम गाते हैं, जब कोई अपना कोई चला जाता है उसके लिए जो गाया जाता है, जो पोएम लिखी जाती है उसके लिए हमारा क्या काम है, राइट? एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ होता है वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन टॉम। हाँ भाई, जो कब्र ग्रह पे लिखे होते हैं वो। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगी, ओके, समझ जा, क्लियर हुआ? चलिए, ही स्टडीज द सब्जेक्ट नॉन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ भाई, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। याद कर लीजिए, एंटोमोलॉजी का मतलब, हाँ जी, एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ। ठीक है भाई, वर्ड्स की स्टडी, वर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज सिस्टम। वो इंसान जो पूरी दुनिया को अपना क्या मानता है, देश मानता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉस्मेटिक। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कॉस्मोपॉलिटन क्या है भाई? वन हु सीज ऑल द वर्ल्ड एज सिस्टम। ठीक है, जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को भी क्या मानता है, अपना देश। स्पोकन और डन विदाउट सोचे। ठीक है, जो चीज आप बिना सोचे समझे बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्सटेंड। याद करते हैं, एग्जाम में आपसे काफी ज्यादा पूछा गया। एंड इमेजिन प्लेस और स्टेट ऑफ थिंकिंग विद एवरी। ठीक है भाई, एक इमेजिनरी जगह जहाँ पर क्या है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है भाई, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? द मनी पेड टू फॉर्म अ वाइफ हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज ओवर। हाँ भाई, जो मनी पे करा जाता है शादी खत्म होने के बाद, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? वाइफ को क्या दिया जाता है, राइट? हिंदी है, सबको पता है। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। हाँ भाई, वो इंसान जो मैप बनाता है, क्या बोलते हैं? इसे हम कार्टोग्राफर, राइट? और भाई टेलीग्राफर क्या है आपका? जो आपको क्या करता है, और उसी के साथ